हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये विलेजर्स सारे के सारे हमने अंडरग्राउंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं और ये मैंने लाइब्रेरी बना रखी है। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है, यहाँ पे सारे लाइब्रेरियन है। ये तीन को अभी जॉब नहीं मिली और इस साइड सारे फार्मर रखे हुए हैं। तो आज मैं एक अंडरग्राउंड फार्मिंग के लिए बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे फार्मर रखे हैं तो उसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए तो चाहिए ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर तो ये मैंने बना रखी है जगह। यहाँ पर मुझे फार्म के लिए जगह बनानी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये सब हटा के मुझे डर्ट लगानी होगी। और देखो, ये सब मैंने हटाते वक्त जो जो मिला वो यहाँ रख दिया, बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ पर 64 एक डर्ट पड़ी है, ये ले लेते हैं। और मुझे जाना होगा डर्ट लेने के लिए, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ और बहुत सारी डर्ट इकट्ठा करके आता हूँ। तो हमारे पास 4 स्टैक हो चुके हैं डर्ट के, इतनी काफ़ी है। तो बहुत सारी डर्ट ले ली, अब चलते हैं अंडरग्राउंड और सारे के सारी डर्ट लगा देते हैं स्टोन वगैरह निकाल के। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये जो दो जगह रखी है इधर, यहाँ पे मैं दो चेस्ट लगाऊंगा और यहाँ पे पूरे में 4 हॉपर लगाऊंगा और ऊपर सबसे ऊपर 4 डिस्पेंसर में वाटर होगा। और मैं रेडस्टोन से कनेक्ट कर दूंगा जब यहाँ पे एक बटन लगा दूंगा या लीवर लगा दूंगा, ताकि पानी आएगा और सारी फसल नीचे आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सारे स्टोन निकाल देता हूँ और इसकी जगह पे ऐसे डर्ट लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ये बहुत मतलब बहुत टाइम लगेगा और शायद इतनी डर्ट काफ़ी होगी या नहीं होगी वो भी नहीं पता। तो ये मैंने लास्ट वाला जो रखा है ना, वो 8 लेयर का मतलब 8 ब्लॉक का है, ताकि पानी है ना इधर हॉपर में ना आए, इधर ही रुक जाए। बाकी ये सब हैं जो ये सारे 7 ब्लॉक के हैं, ताकि पानी नीचे आ जाए और आगे चला जाए। तो कुछ इस तरीके से किया है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, मतलब डर्ट वर्ट लगा लेता हूँ, बाद में आपसे मिलता हूँ। गाइस, तो हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने नीचे सारे डर्ट लगा दिए ताकि हम यहाँ पे फसल लगा सके और फार्मिंग कर सके। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये फसल में तब हो से तब काम होगा जब हम यहाँ पे पानी लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक काम करता हूँ, इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना लूँ एक यहाँ पे, अभी गलत लगा दिया। एक यहाँ पे ये बन चुका है इन्फिनिटी वाटर सोर्स। अब मेरे पास 3 वाटर बकेट है, मुझे और भी लाने होंगे। तो एक रखो यहाँ पे और एक रखो यहाँ पे। इतना काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मुझे कहाँ बनाना है, 1 2 3 4 इसे तोड़ो, नीचे वाटर लगा दिया और ऊपर से इसे लगा दो, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका। तो ये मेरे को ना सब में करना होगा, क्योंकि तभी हम फसल लगा पाएंगे, वरना फसल नहीं लगा पाएंगे। ये ले लो। तो ये मैं सारे में कंप्लीट कर देता हूँ, बाद में हम हो से काम करेंगे। तो अब मुझे हो से करना होगा कि मैं पूरे में ये कर देता हूँ हो से। देखो ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे पानी है ना, मतलब नीचे ब्लॉक नहीं लगा हुआ ना, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। तो मैं ये पूरे में हो से पूरा कर देता हूँ। गाइस, तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया हो से। देखिए, ये धीरे धीरे ये फसल ऐसी मतलब ये ज़मीन ऐसी हो रही है, यहाँ पे पानी मतलब पहुँच रहा है लास्ट तक। देखिए आगे बहुत हो गया होगा, देखिए ये देखिए यहाँ पे तो पूरा भरने वाला है। तो ये अब मैं क्या लगाने वाला हूँ, फिलहाल के लिए कैरेट्स लगाने वाला हूँ। तो मैं कितनी लाया हूँ, शायद 5 स्टैक लाया हूँ। और भी मेरे पास बहुत पड़ी है। और हाँ गाइस, ये मैंने जो जगह बनाई है ना, ये सिर्फ ये पौधे मतलब कैरेट्स वगैरह जो भी हम लगाना चाहते हैं ना, ये लगाने के लिए ही बनाई, क्योंकि हम अगर नीचे जाते हैं ना तो ये
बिगड़ जाती है फसल, आपको पता ही होगा, फिर से हो से करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये बनाया है ताकि ना हम यहाँ पे ऊपर से ही कर सकें, नीचे ना जाना पड़े। अगर नीचे गया तो बिगड़ जाएगा, और कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे में फसल लगा देता हूँ, बाद में आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, हाँ लग गया। ठीक है, तो हमने सारे में कैरेट्स लगा दी, और भाई सब देखिए फार्म कितना बड़ा है। और आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इतना बड़ा फार्म क्यों बनाया है, तो गाइस उसका तो एक ही रीज़न है कि मैंने, आपको पता होगा कि जो विलेजर्स ले आया हूँ मैं, तो उनके साथ मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने फार्मर इतने बहुत सारे, आपको मैंने दिखाई बहुत सारे फार्मर लाया हूँ, तो उसके साथ मैं कैरेट के साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और बहुत सारे एमरल लेना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ा फार्म बना दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 4 डिस्पेंसर चाहिए, और 4 वाटर बकेट चाहिए, और 4 हॉपर, 2 चेस्ट, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, मेरे पास 3 वाटर बकेट तो पड़े हैं, तो ऊपर चलते हैं और देख लेता हूँ कि आखिर क्या क्या चाहिए डिस्पेंसर वगैरह बनाने में। के यहाँ पे हम सर्च करते हैं डिस्पेंसर। ओके, तो बो चाहिए हमें, 4 डिस्पेंसर चाहिए। तो बो कितनी है मेरे पास, फिलहाल एक ही लग रही है, तो मैं रेडस्टोन ले लेता हूँ। ओके, और बो की तो कमी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखी है। अब आपको क्या करना है, ऐसी स्केलेटन वगैरह होते हैं ना, उनको मारना है और उनसे बो ले लेनी है, क्योंकि इसकी बहुत हेल्थ कम होती है, तो हमारे काम की तो वो वैसे भी होती नहीं है। तो इसे डिस्पेंसर भी बन जाएगा हमारा। ओके, 4 बन रहे हैं, बन गए क्या, 2 3 4। ओके, तो अब हमें बनाने हैं वाटर बकेट। मेरे आयरन कहाँ है, ओके ये रहे। तो मेरे पास 3 है, एक तो नीचे पड़ी है, तो मैं एक ही, हाँ एक ही बना लेता हूँ वाटर बकेट। ओके ये रही, ओके एक वाटर बकेट बना दी। अब रेडस्टोन रिपीटर चाहिए था, हाँ ओके। तो यहाँ सर्च करते हैं, ये रहा। अच्छा, यहाँ इसके लिए चाहिए रेडस्टोन टॉर्च और स्टोन। ओके, तो यहाँ स्टोन 55 ले लेते हैं, और रेडस्टोन टॉर्च बनानी होगी मेरे ख्याल से, मेरे पास वो नहीं होगा। हाँ, स्टिक्स और 64 पड़ी है, कोई बात नहीं, तो रेडस्टोन टॉर्च भी बन जाएगी। ओके, तो रेडस्टोन टॉर्च ये रही। ओके, 25 बन रही, इतनी काफ़ी है, नहीं और चाहिए क्या, 3 बन गए, 4 रिपीटर, आई थिंक इतने काफ़ी, और मेरे ख्याल से मेरे पास 1-2 पड़े थे शायद। ओके, एक यहाँ पे पड़ा था। तो बाकी मैं अब क्या करूँ, थोड़ी चेस्ट खाली कर देता हूँ, और हम चलते हैं सीधे सीधा नीचे जहाँ पे हमारा फार्म है। तो मैं थोड़ी चेस्ट खाली करके निकलता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने चेस्ट पूरी की पूरी खाली कर दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये रहे डिस्पेंसर, तो डिस्पेंसर लगाता हूँ, और इस साइड से लगाने थे मेरे को के 1 2 3 और 4। ओके, तो यहाँ इसके अंदर हमें वाटर बकेट लगानी है, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रहा। तो अब मैं यहाँ मेरी थोड़ी पोजीशन देख लेता हूँ। तो यहाँ से मेरी पोजीशन है 46 और -79। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि रेडस्टोन ले आना है, तो मैं नीचे जाता हूँ, और नीचे से मैं दूसरी साइड से रेडस्टोन लगाने के लिए थोड़ी माइनिंग करके ऊपर जाना होगा। तो मैं आपको वो थोड़ा कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया। ओके गाइस, तो ये वाला मैंने काम कंप्लीट कर दिया, अब आपको दिखाता हूँ कैसे किया। तो यहाँ से देखो, मैंने ये क्यू बनाई है। तो मैंने आपको बताया था ना कि पोजीशन मेरे को 46 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्टेयर के जैसे बनाया है, देखिए। और ये मेरी पोजीशन यहाँ पे देखो 46 होगी। अब हमने जो दूसरा वाला है उसे ले जाना था -79, तो मैं इसे माइनिंग करते करते यहाँ पे -79 पे आ गया, और इस साइड माइनिंग की, तो हम आज आ चुके हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पर लगाना है रेडस्टोन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ले लेता हूँ रेडस्टोन। ओके, तो 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पर भी अभी बैठ के लगाना होगा, गलत लगा दिया उसे, इसे निकाल दे। ओके, तो इतना कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से रेडस्टोन लगा के अब हमें पूरा नीचे तक ले जाना है ये रेडस्टोन को। ओके, तो इस तरह से कुछ आपको पूरा नीचे लेके जाना है। ओके, तो मैंने लास्ट तक पूरा रेडस्टोन लगा दिया है।
तो अब मुझे एक लीवर चाहिए रहेगा, तो मैं लीवर देख लेता हूँ, शायद बन जाए तो। हाँ बन रहा है एक लीवर। ओके एक लीवर मैंने बना लिया है, लीवर के लिए कुछ चाहिए ही नहीं इसलिए बन गया। ओके यहाँ पे फिलहाल यूँ ही लगा देता हूँ, बाद में इसे चेंज कर। ओके तो यहाँ पावर स्टार्ट करते हैं, तो अब देखते हैं हम कहाँ तक ये पावर जा पाता है। ओके आई थिंक यहाँ तक आ रहा है, तो इसे निकालो। और यहाँ पे चाहिए मुझे एक रेडस्टोन रिपीटर के, रेडस्टोन कनेक्ट करे। ओके हो गया, तो अब देखते हैं हम वापस कहाँ तक पावर जाता है। ओके तो पावर यहाँ तक जाता है, लेकिन एक दिक्कत होगी मेरे ख्याल से, यहाँ लगेगा नहीं रेडस्टोन रिपीटर। हाँ नहीं लग रहा, तो मुझे ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना रेडस्टोन रिपीटर एक यहाँ पर लगा दूँ। हाँ तो अब शायद स्टेयर्स के ऊपर तक पावर पहुँच जाएगा, क्योंकि मुझे पता था ये रेडस्टोन रिपीटर जो होता है ना, वो ये स्टेयर वगैरह पे लगता नहीं। हाँ ओके हो चुका है अब। ओके तो यहाँ भी पावर कट हुई, तो इसे लगा दो। अब हमारे पास दो बच रहे हैं, यहाँ पे पावर कट हुई। ओके अब शायद पहुँच जाएगा, लास्ट में पहुँच जाएगा, तो ये लास्ट है। एक पड़ा है मेरे पास, अगर ज़रूरत पड़ी तो, पर नहीं पड़ेगी ज़रूरत। ओके पूरे में वर्क कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना। फिलहाल मैंने इसके अंदर पानी नहीं भरा है, तो मैं क्या करता हूँ वाटर बकेट लेके आता हूँ और पानी भर देता हूँ इनके अंदर। ओके तो मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है इनके अंदर। अब इसे क्या हो गया, शायद ये रेड स्टोन की वजह से हो रहा है। ओके तो इनके अंदर एक एक के अंदर हम रख देते हैं वाटर बकेट, दो और ये तीसरे में और ये चौथे में। ओके तो ये हमने काम कंप्लीट कर दिया, अब हमें यहाँ पे शायद कुछ करना बाकी नहीं, पर धीरे धीरे जाना होगा वरना ये बिगड़ जाएगा। ओके तो यहाँ पे बैठ के मैं चेस्ट को हॉपर से कनेक्ट कर लूँ, इसको भी चेस्ट से कनेक्ट कर लूँ, मतलब हॉपर को चेस्ट से कनेक्ट कर लूँ और इसे, और अबे यार ये गलत लग गया, चेस्ट के अंदर चला गया शायद। हाँ चला गया, मतलब ये कंप्लीट वर्क कर रहा है। फिर से बैठ के ओके ये लिया होपर और इसे लगा दिया। ओके इतना काम कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे लेनी है मेरी ग्लास ले ली। ओके तो यहाँ से मैं ग्लास लगा दूँ ऐसे। ओके ये यहाँ भी लगा दूँ। ओके यहाँ भी और यहाँ भी लगा दूँ, और यहाँ पे मैंने जगह रखी है चेस्ट को खोलने के लिए। ओके तो अब मैं लगाने वाला हूँ स्लैब। ओके ये रही स्लैब। हाँ तो अब क्या होता है, यहाँ से आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती, कभी कभार ये कैरेक्टर जो होता है ना हमारा, ये फंस जाता है अगर यहाँ पे। अबे यार मेरे पास एक्स भी नहीं है, कोई बात नहीं इससे निकाल देता हूँ। हाँ तो ये रही स्लेब। ओके तो अगर स्लेब होगी ना, दो लगा दी, कोई बात नहीं, अगर स्लेब होगी ना तो हम आसानी से चढ़ पाएंगे और नीचे भी आ जाएंगे। देखो पता भी नहीं चल रहा, आराम से चढ़ रहा है। तो ये मैं सारे में स्लेब लगा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ से चालू करते हैं और देखते हैं भाई ये क्या गलती से लग गया। ओके बटन चालू किया, पानी आएगा। ओके आ रहा है पानी, तो मुझे पता है यार थोड़ी बहुत जो कैरेट या कोई भी फसल होगी वो ये वॉल के ऊपर रह जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में जब लगाने जाएंगे तब वहाँ से निकाल लेंगे। तो हमें तो सिर्फ यही देखना है कि एक बार में हम कितनी ले सकते हैं। देखो ऊपर वहाँ कैरेट रह गई है और धीरे धीरे आ रही है सब। ओके आती जा रही है, अभी तो बहुत दूर से आ रही है। ओके लगा दी और देखते हमें कितनी मिली। ओके तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और ये सब अभी आया, तो देख लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टैक और 15 ऊपर, तो मान लो कि 8 स्टैक ही मिल रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में मैंने कहा था ना कहीं कहीं पे अभी मतलब पूरी हुई नहीं थी, बाकी थी अभी फसल आनी। तो मेरे हिसाब से तो 8 स्टैक बहुत ज़्यादा है, और ये सब मैं विलेजर्स को ट्रेड करने के लिए एमरल के बदले दे दूंगा। तो यार हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है। बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, अगर फार्म आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।